सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑप्टिव्स, उसमें क्या लिमिटेशंस थे वो अपन ने चेक किया था और वो क्यों 100% करेक्ट नहीं था ये अपन ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, ये अपन ने समझा था। अभी अपन समझते हैं नेक्स्ट, जो कि है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अभी मेंडेलीव ने, न्यूलैंड के बाद मेंडेलीव ने एक टेबल बनाया जिसके अंदर उसने सारे एलिमेंट्स मेंडेलीव के टाइम पे जितने थे उतने उसने प्लेस किए, ठीक है, उतने उसने प्लेस करके बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और मेंडेलीव के टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स थे, मेंडेलीव के टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और उसने 63 एलिमेंट्स को प्लेस किया था अपने टेबल में। और साथ ही साथ उसने एक अच्छा काम किया था कि उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ एलिमेंट्स अभी भी ऐसे बाकी है जो डिस्कवर नहीं हुए, जो आगे डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कवर हुए तो उनको कहाँ प्लेस करना है, कौन से ग्रुप में प्लेस करना है, वो उसने पहले से ही बता दिया था। उनके डिस्कवर होने से पहले ही उसने उसकी प्रॉपर्टीज, उसका एटॉमिक मास उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसके आसपास या ऐसा होगा तो इनको यहाँ पे अपन प्लेस करेंगे। यहाँ तक कि उसको उसने नाम भी दे दिया था कि इसका अगर डिस्कवरी हुआ ऐसे एलिमेंट का तो इसका नाम रहेगा ये भी उसने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो मेंडेलीव ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल क्या बोलते हैं, देखो अभी जो न्यूलैंड के टाइम पे जो एटॉमिक मासेस थे तो मेंडेलीव ने क्या किया, वो एटॉमिक मासेस को फिर से चेक किया का मतलब है हाइड्रोजन लिया उसका एटॉमिक मास चेक किया, बेरिलियम लिया उसका चेक किया, स्कैंडियम लिया उसका चेक किया, ओके, उसके बाद में जिंक लिया उसका चेक किया, ठीक है। मतलब उसने सारे एलिमेंट जितने नोन थे उस टाइम पे सारे एलिमेंट्स उसने वापस से रीचेक किया उसके एटॉमिक मासेस को। तो वो करने से उसको फायदा ये हुआ कि बेरिलियम का एटॉमिक मास उसको समझ में आया। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले 16 था, लेकिन जैसे उसने क्रॉस चेक किया, वापस से उसने आइडेंटिफाई किया तो उसको मिला 9, उसको मिला बेरिलियम का 9। तो इससे फायदा ये हुआ कि बेरिलियम का एटॉमिक मास कम है तो उसको बोरोन के पहले ही प्लेस कर दिया, तो ये एक इम्प्रूवमेंट हो गया एज कम्पेयर टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये उसने इम्प्रूवमेंट कर दिया मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। और मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उसने मेंडेलीव ने ऐसा बताया कि कौन से एलिमेंट्स ऑक्साइड फॉर्म में रह सकते हैं, कौन से एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्म में रह सकते, उसका उसने जनरल फॉर्मूला बताया। जैसे कि तुम लोग, मैं टेबल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तुमको पता है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। ग्रुप वन, उसने टोटल 8 ग्रुप्स लिए, उसने टोटल 8 ग्रुप्स बनाए थे, ओके, टोटल 8 ग्रुप्स बनाए थे और 12 रोज बनाए थे जिसको पीरियड्स कहा गया था, ओके। अब ग्रुप वन में देखोगे तो तुमको R2O ऐसा कुछ दिखेगा, R2O लिखा हुआ दिखेगा। अभी जो R2O है, R2O का मतलब क्या होता है, देखो R का मतलब यहाँ पे उसने ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट प्लेस किए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट प्लेस किए। मैं तुमको एक दो के एग्जांपल देता हूँ। देखो R के जगह पे H रखो तो आंसर क्या बनेगा, H2O। R के जगह पे लिथियम रखो क्या बनेगा, Li2O। सोडियम, R के जगह पे सोडियम रखो क्या बनेगा, Na2O। R के जगह पे पोटेशियम रखो क्या बनेगा, K2O। और ये जो R2O है उसको अभी न्यू सिस्टम के हिसाब से R2O भी लिखते हैं, मतलब जो 2 ऊपर लिखा जाता था उसको नीचे भी लिखते हैं मॉडर्न वे में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको मॉडर्न वे में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये H2O, ये बन जाएगा Li2O, ये बन जाएगा Na2O, ये बन जाएगा K2O। मतलब देखो ये उसने मेंडेलीव ने तभी बता दिया था कि अगर ये ग्रुप के कोई भी एलिमेंट ऑक्साइड फॉर्म करेंगे तो उनका जनरल फॉर्मूला होगा R2O, R के जगह पे एलिमेंट पुट करो तुमको उसके जनरल, उसके एग्जांपल्स मिलते जाएंगे ग्रुप वन के, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली उसने ग्रुप टू का भी बताया था, कि ये रहा ग्रुप टू, और ग्रुप टू का उसने फॉर्मूला बनाया था RO। RO का मतलब अभी इसने यहाँ पे प्लेस किया था बेरिलियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, उसके बाद में कैल्शियम, उसके बाद में जिंक, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट उसने प्लेस किया। अपन एग्जांपल्स लेते, अभी R के जगह पे बेरिलियम रखोगे क्या बनेगा, BeO। R के जगह पे Mg रखोगे क्या बनेगा, MgO। R के जगह पे कैल्शियम रखोगे क्या बनेगा, CaO। जिंक रखोगे क्या बनेगा, ZnO। तो ये देखो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड,
ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हमको याद कैसे रहेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO आएगा या फिर सोडियम ऑक्साइड में Na2O आएगा, मतलब कब 2 लिखना है और कब यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, ये कैसे समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो बेस्ड करता है वैलेंसीज पे, किसकी वैलेंसी कितनी है, क्योंकि सेम वैलेंसी होगा तभी तो वो एक एक एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बाद में कभी बात करेंगे, बट एक सिंपल सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए। जब पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तब मैं ये चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे 1 क्यों आया, तुमको कैसे समझ में आएगा कब 1 आएगा कब 2 आएगा, वो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो अभी अपन बात कर रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। तो सिमिलरली जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का उसने बता दिया, अब मैं हाइड्रेट वाले एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4 में उसने बताया कि अगर ये ग्रुप के जो भी हाइड्रेट्स रहेंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा RH4, और उनका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा RO2। अब देखो, अभी इसने इसने क्या प्लेस किया, कार्बन प्लेस किया, सिलिकॉन, टिटेनियम, ऐसा उसने प्लेस किया। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखोगे हाइड्राइड का, तो आर के जगह पे सी रखो, ये बन जाएगा CH4। आर के जगह पे ऐसा ही रखो, बन जाएगा SiH4। Ti रखो, बन जाएगा TiH4। अगर ऑक्साइड चाहिए तो R के जगह पे C रख दो, ये बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा SiO2, ये बन जाएगा TiO2। ओके, तो देखो ये फॉर्मूलाज ऐसे डिराइव होते हैं। ठीक है, अभी इसने भी जो अरेंज किया वो भी अरेंज तो किया था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में। ठीक है, एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे उसने एलिमेंट को अरेंज किया, और इसने भी ये चीज़ नोटिस किया कि कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच होने लगती है, कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज मैच होने लगती है। जैसे बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैच होती है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच होती है कैल्शियम से, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े इंडेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, ये उसने भी आइडेंटिफाई किया, ये उसने भी नोटिस किया मेंडेलीव ने। लेकिन मेंडेलीव ने ये एग्जैक्ट नहीं बताया कि कितने एलिमेंट के बाद रिपीट होगा। जैसे न्यूलैंड ने बताया था जो पहला एलिमेंट रहेगा उससे जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट रहेगा उसने फिक्स कर दिया था, इसने ऐसा कोई फिक्स नहीं किया। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि 8 एलिमेंट के बाद कि 9 एलिमेंट के बाद होगा, ऐसा उसने नहीं बोला। उसने सिर्फ बोला कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद। ठीक है, बट इसका प्रिंसिपल भी वही है कि इंक्रीजिंग एटोमिक मास के फॉर्म में इसने अरेंज किया। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई कैसे काम करती है। अभी उसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे, उसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे ग्रुप्स में, और उसने उसका एटॉमिक मास पहले ही बता दिया था। उसने बोला कि 44, 44, 68 एंड 72, उसने बोल दिया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो भी डिस्कवर नहीं हुए लेकिन डिस्कवर होंगे तो उनका एटॉमिक मास 44, 68 एंड 72 होगा। यहाँ तक कि उसने उसका नाम भी दे दिया था, उसने उसका नाम भी दे दिया था। ठीक है, उसने उसका नाम भी दे दिया था, बोला जो 44 होगा वो होगा एका बोरोन, वो होगा एका बोरोन। उसके बाद जो 68 जिसका एटॉमिक मास होगा वो होगा एका अल्यूमिनियम, वो होगा एका अल्यूमिनियम। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा 72 वाला, वो भी उसने बता दिया था, वो होगा एका सिलिकॉन, वो होगा एका सिलिकॉन। तो ये उसने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई एलिमेंट आगे डिस्कवर होता है और उनका एटॉमिक मास 44, 68 एंड 72 है तो 44 वाला रहेगा, उसका नाम रहेगा एक्का बोरोन। और उसने उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी कि इसके प्रॉपर्टीज होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसने पहले ही बता दिया था। 68 का भी उसने पहले ही बता दिया था, 72 का भी पहले ही बता दिया था। तो ये मेंडेलीव ने बहुत अच्छा काम किया था, उसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे, कुछ जगह छोड़ दी थी ग्रुप्स में उसके, कि जहां पे अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है फ्यूचर में, तभी उसके टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर थे। ठीक है, और बाकी ये होने बाकी थे। तो उसने ये अच्छा काम किया कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो मैं उसको उसमें फिट कर सकता हूँ, उसने जगह छोड़ दिया था। तो ये मेंडेलीव का अच्छा खासा मेरिट था, ये था मेरिट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की, उसने बहुत अच्छा काम किया था। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल ये जो उसने 68 वाला बताया था, अपन 68 को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसने पहले ही बोला था कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 68 है तो उसका नाम उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था एक अल्यूमिनियम, जो कि फ्यूचर में जाके डिस्कवर हुआ और उसका नाम है गैलियम, उसका नाम है गैलियम। अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको गैलियम बोलते हैं। ठीक है, अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको गैलियम बोलते हैं, और उसका एटॉमिक मास है 69.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। उसके बाद में उसने
पहले ही डेंसिटी वगैरह सब बता दी थी, उसने उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी बता दिया था कि अगर वो क्लोराइड बना रहा है तो कैसा रहेगा, अगर वो ऑक्साइड बना रहा है तो कैसा रहेगा। उसने पहले ही बोला था कि उसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R2O3। R2O3 मतलब आर की जगह पे गैलियम ले लो तो ये बन जाएगा Ga2O3। मतलब उसने पहले ही बता दिया था कि ये जो फॉर्मूला, ये जो भी एलिमेंट रहेगा आगे जाके डिस्कवर होगा उसका वैलेंसी कितना रहेगा, ये भी उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो ये है इसका मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे साइंस में डेवलपमेंट होता गया, नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ओके, ये सब नोबल गैसेस आगे जाके डिस्कवर हुआ। तो मेंडेलीव में क्या किया, मेंडेलीव ने बोला कि ये सब एक ही ग्रुप के हैं, तो मैं नॉर्मल किसी भी ग्रुप को डिस्टर्ब किए बिना एक अलग से एक्स्ट्रा ग्रुप बना दे और उसमें सारे नोबल गैसेस को प्लेस कर दे। टोटल उसने बनाया था 8 ग्रुप्स। उसने बोला आगे और एक ग्रुप अपन ऐड कर देते और उसमें सारे के सारे जो नोबल गैसेस है उसको प्लेस कर देंगे। मतलब ये भी एक इसका बेनिफिट है कि जो नॉर्मल उसने पीरियोडिक टेबल बना के दिया था जिसमें उसने 8 ग्रुप्स बना के दिए थे, ओके, तो उसमें कुछ भी डिस्टरबेंस लाए बिना अलग से एक ग्रुप ऐड करके उसमें सारी चीजें अपन प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका ये फायदा हुआ कि उसने पहले ही नहीं बताया था कि कितने एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होता है। अगर ये उसने पहले फिक्स कर दिया होता तो ये एलिमेंट को वहां पे नहीं डाल सकता था कि उसको डिस्टर्ब करता। तो ये सब आता है मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, कि अगर आगे जाके ये सब चीज डिस्कवर हुआ तो अपन उसको अलग से प्लेस कर सकते हैं। तो मेंडेलीव ने काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, अब ये सब बात की अपन ने इसके मेरिट्स की, अब अपन बात करते हैं कुछ इसके डीमेरिट्स की। अपन बात करते हैं कुछ डीमेरिट्स की, इसका डीमेरिट क्या था। अब इसके डीमेरिट ये था, अगर तुम लोग टेबल में चेक करोगे, अब मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा हूँ, टेबल तुम लोग टेक्स्ट बुक में देख लो, टेबल में चेक करोगे तो कोबाल्ट एंड निकल ये दोनों का एटॉमिक मास सेम दिया है। कोबाल्ट एंड निकल ये दोनों का एटॉमिक मास उसने सेम दिया है 59। दोनों का एटॉमिक मास उसने सेम दिया है 59। तो अगर दोनों का एटॉमिक मास सेम है तो पहले कौन आना चाहिए और बाद में कौन आना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो तो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में इसको अरेंज किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एटॉमिक मास सेम है तो फिर किसको पहले रखा जाए किसको बाद में रखा जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद में दूसरी डिफिकल्टी इसकी ये आ रही थी कि अगर सपोज कोई आइसोटोप डिस्कवर होता है, अब मेंडेलीव के टाइम पे कोई आइसोटोप नहीं था, आइसोटोप मेंडेलीव के बाद डिस्कवर हुआ। तो आइसोटोप में क्या होता है, भले एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो फिर इनको अरेंज कैसे किया जाए, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इसने बोला था कि प्रॉपर्टीज सेम कुछ डेफिनेट इंटरवल के बाद ही होती है, और आइसोटोप का मतलब तो क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो फिर इसको कैसे अरेंज किया जाए, वो भी समझ में नहीं आया। तो ये इसका है डीमेरिट। फिर उसके बाद में और भी कुछ डीमेरिट्स थे इसके, और भी कुछ डीमेरिट्स थे, ये इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स थे। फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट डीमेरिट ये था कि एग्जैक्टली हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए, एग्जैक्टली हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मैच होता है, सोडियम के साथ मैच होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज इसका हेलोजन के साथ मैच होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इसका हेलोजन के साथ मैच होता है। तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन कहाँ आना चाहिए, मतलब इस हाइड्रोजन का ग्रुपिंग कहाँ होना चाहिए, हेलोजन के साथ होना चाहिए कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के साथ होना चाहिए, ये समझ में नहीं आया। अब ऐसे क्या प्रॉपर्टीज थे जो हाइड्रोजन के हेलोजन के साथ भी मैच हो रहे थे और सोडियम पोटेशियम के साथ भी मैच हो रहे थे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है। अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन के वैलेंसी की बात करूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी की बात करूँ तो 1, और क्लोरीन की वैलेंसी की बात करूँ तो भी 1, दोनों की वैलेंसी सेम है। लेकिन क्लोरीन तुमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में काउंट होता है। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी सेम है तो कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया इनको कहाँ प्लेस किया जाए। अब जो मैंने बोला इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, तो लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, इन लोग का कैरेक्टर हाइड्रोजन से मिलता है क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, तो फिर ये क्या है, एग्जैक्टली हाइड्रोजन कहाँ प्लेस होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये सब काउंट होता है डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, समझ में आया, ओके, थैंक यू।